मॉर्निंग। तो आज है थर्सडे और थर्सडे को कल रात मैंने वैसे ही कहा था कि हाँ कल सरप्राइज होगी। तो आज है अरियोन, अरियोन के सारे दोस्त पोस्टिंग जा रहे हैं तो उन लोगों को छोटी सी पार्टी देनी है, तो आज पार्टी होगी शाम में। तो पार्टी की तैयारियां करते हैं हम लोग। और ये अरियोना तो स्कूल गई है और रियोन जी और सिंड्रेला जी लगे पड़े हैं इधर सामान वामान सीखने में, इनको यही काम है। तो चलते हैं हम लोग तैयारी करते हैं और आप सभी पार्टी में हमारे शामिल होंगे। सब तो तैयार व्यार करके इतनी सारी हम लोगों ने लिट्टिया बना दी यार, सबने मिलकर बनाया था, काफ़ी मज़ा आया, इतना मज़ा आया ना वो करने में सब मिल करके, क्या बताएं हम लोगों ने इतना हंसी मजाक सब एक दूसरे से कर रहे थे। और अब सब होने के बाद अब हम लोग चलते हैं आग जलाते हैं। ये जल चुका है लिट्टी के लिए आग और ये जलाए हैं हम और इन्होंने जलाया है। अब चलते हैं हम लोग लिट्टी बनाते हैं इस पर। तो आग जलाने के बाद हम लोग लिट्टियाँ सेकना शुरू किया और लिट्टी आग इतनी तेज थी ना कि लिट्टियाँ एकदम हल्की जलने लगी, पर फिर जल्दी से फेंकते गए फिर जल्दी से एकदम तुरंत बुझ गई लिट्टियाँ। और इतना मज़ा आया ना इन लिट्टियों को सेकने में, हमारे तो हाथ बॉयल हो चुके सबके सबके, इसलिए हम लोगों ने चिमटे का यूज़ किया, काफ़ी अच्छा हो गया था। अभी देखिए पलटने में हाथ जल रहे थे, बहुत ज़्यादा ही हाथ जल रहा था, पर फिर भी जोश था कि हाँ भाई करना है। और इसी में हम लोगों ने बैगन भी डाल दिए, बैगन भी काफ़ी अच्छे से पके गए थे। और वो टमाटर, उसमें तो टमाटर तो मज़े से इतना अच्छा पका था ना, लग नहीं रहा था कि पक जाएगा, पर काफ़ी आग ज़्यादा थी देख देख रहे हैं और काफ़ी आग है। और बैगन भी बहुत अच्छे से पकी और लिट्टिया का तो बात ही नहीं, लिट्टी खाने के टाइम तो क्या मज़ा आएगा ना। अब हम लोग सेक रहे देखते हैं कितना अच्छा से सेक पाते हैं, क्योंकि वो लिट्टिया तो अभी तक सीख ही रहे हैं हम लोग। और फिर अब इसके बाद हम चलेंगे उसमें, उसको वॉश भी करना रहता है, अभी सीख तो जाए। अभी आधी हम लोगों ने डाल रखी है, उसके बाद जो आधे आग है ना और उधर भी साइड में रखा हुआ है उपले, उसमें भी डालने हैं। और फिर जब तक ये पूरे होंगे, काफ़ी हम लोगों ने बना लिया था, 100-150 लिट्टियाँ बन चुकी थी, 150 से ज़्यादा लिट्टियाँ थी वो अभी भी है। और देखते हैं कितना सारा हम लोग कर लेते हैं और कहाँ तक पहुँचेगा, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होएगा तो फिर हम लोग शीतल जी फिर इसमें शामिल हुए, उन्होंने स्टीम ले लो, बहुत दिन से स्टीम किसी ने नहीं लिया ना, तो सभी ने अपने अपने फेस को स्टीम लेके बाद उसके बाद हम लोग स्क्रब करेंगे, सब कुछ हो चुका है, अब स्टीम ले करके स्क्रब करेंगे हम लोग सब मिल करके एक साथ ही। तो चलते हैं, काफ़ी स्टीम हो गई है अब हमारी तो हो गई है, लक्ष्मी जी भी हो गई, वो तो बेचारी इतनी मेहनत करी, वो उनका फास्ट था फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत करा इन लोगों को लिट्टियाँ खिलाने में। अरे मुझे आग वाली लिट्टी खानी है, इतने परेशान हो रहे थे ना कि क्या बताएं हम लोग, अब इन लोगों का मन का मुराद पूरी हो गई तो काफ़ी अच्छा से हो गया था। अब देखते हैं ये लिट्टियों का टेस्ट कैसे होता है, मतलब तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, अब यही लोग बता सकते हैं कैसा बना है कैसा नहीं, हमारी तो मेहनत बहुत लगी है यार ये कहने के। हाँ लिट्टी चोखा खाएंगे, पर है बहुत ख़तरनाक, इसको बनाने में इतना मेहनत लगता है ना, थोड़े से वो तो कोई बात नहीं है चलो, लेकिन ये 200-150 लिट्टियाँ मतलब हालत ख़राब हो जाती है, उसमें लगना पड़ जाता है बहुत ज़्यादा ही। चलते हैं, हाँ इतनी लिट्टियाँ सीख चुकी है और इतना फिर से आग लगी है, उधर टमाटर सीख रहे हैं और इसमें हेल्प कर रहा है कि इन्होंने लक्ष्मी जी, सपना जी और शीतल जी भाग गए और इनका डैडा जी कुछ काम नहीं करते हैं। काफी अरे पार्टी का सैलेड पूरा भरपूर मात्रा में यहाँ पूरा वो पड़ा है, बन गया है, अब चलते हैं बाकी चीजें करने। पार्टी की शान चोखा और ये रहे छोले और लिट्टियाँ बन के तैयार, लिट्टियाँ जो कि घी में डूबी हुई है सारी की सारी। पता है क्या, इंजॉय तो सभी ने किया लेकिन सिंड्रेला ने क्या कमाल का डांस किया, ये तो मतलब टीवी के पास से हट ही नहीं रही थी कि हाँ भाई कोई और डांस कर ले, ये पूरा डांस पे डांस पूरा किए जा रही है और थक भी नहीं रही थी, इतना ज़्यादा इन्होंने अपने दोस्तों के साथ डांस किया और ये स्टाइल पोज कर कर के इन्होंने डांस किया इतना हंसी आ रहा था ना, सभी बैठ करके हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया और इतना हंस रहे थे ना कि क्या बताया, ये ऐसे डांस कर रही थी कि जैसे गाने का लग रहा है कि बीट पकड़ रही हो। इनके साथ इनके फ्रेंड यतु, इनकी दीदी, उन्होंने भी क्या कमाल का डांस किया, दोनों बहनों ने मिलके पूरा आग लगा दिए, डांस को फाड़ ही डाला। सभी को डांस बैठ चुके हैं, हम लोग चलते हैं
सबसे ज्यादा डांस अपना जी और रेखा जी ने किया। माय गॉड, इन लोगों ने तो इतना डांस किया ना, क्या होता है। और मैंने तो बस मोबाइल पकड़ के थोड़ा सा ये हो गया इला थोड़ा सा डांस करा, और इन लोगों को सूट करने में हम बिजी थे। इन लोगों ने बहुत डांस करे, पूरे पार्टी में आग लगा दी है इन सब ने डांस करके। और उसके बाद आई बारी वंदना जी की, और उन्होंने क्या डांस किया। गाना तो एकदम इतना खतरनाक गाने पे उन्होंने डांस किया ना कि पूछिए मत। और उनके साथ ये मालविका जी ने भी बहुत ही अच्छा डांस करा था। इन लोगों ने इतना अच्छा डांस करा मतलब पूरा दिन बन गया। और ये मानसू ने तो बेचारे बेटा को कितने क्या नींद सी आने लगी, किचन में नींद सी आने लगी। और फिर वो जा कर के सोने के, मम्मा मुझे नींद आ रही है, तभी सो रहे हैं। सिंड्रेला रियोन की पलटन पूरी नीचे ही खेल रही है। ये लोग तो एकदम पूरा जोरों शोरों से पार्टी खत्म हो गई, ये लोग डांस वांस करके थक चुके हैं। यहाँ जेंट्स की पार्टी चली थी, ये लोग अभी कोई नहीं है, सभी चले गए। सभी को एंजॉय करने के जाने के बाद लेकिन रेखा और सपना जी ने ओह माय गॉड लास्ट में क्या डांस करा। इन लोगों ने तो इतना डांस करा है ना कि अरियोना बैठ के देख रही थी कि हाँ वही आंटियाँ कैसे डांस करा। हम इनको सूट कर रहे थे और देख रहे थे इनका डांस, बहुत ही एंजॉय किया हम लोगों ने। दोनों सो नहीं रहे, अभी 10:30 हो चुका है, इनको अब नींद अब लग रहा है, थोड़ा थोड़ा नींद आ रही है, अब ये थक गए हैं। अरियोना जी जा रही हैं और ये रियोन जी है। क्या हुआ बेटा? हाँ, तो हम लोगों ने आज खूब एंजॉय किया, सब कुछ लिट्टी जो का बहुत मजा आया। और अब हम लोग चलते हैं सोने, और आज का ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, अभी तो हम बाहर बैठे हुए हैं, अभी जाते हैं रूम में, फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं और कल फिर हम लोग आपके साथ मिलते हैं। बाय, गुड नाइट। सबने पी लिया है पर मेरी दोस्त रेखा जी है ना, ये पूरी टून होकर जाएंगी। ये पी रही है, ये तो यार बेकार में हम इनको बदनाम कर रहे हैं, ये इन्होंने ये पिया है यार, ऐसे बदनाम नहीं कर सकते हैं ये। और इन्होंने ठंडा की जगह गर्म पी लिया, दूध पानी मिलता है, भागो जाते हैं शीतल जी है ना, वो सोने का इंतजार करिए कब ये भागे कि हम सो ले थोड़ा सा।